स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ ग्रामर दैट इज द एडजेक्टिव राइट. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है जो आप हिंदी में आप पढ़ते हैं विशेषण राइट. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्या होता है जो एक नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब मीन्स उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में उसको डिफाइन करता है कि वो नाउन या प्रोनाउन क्या है, कैसा है, कितना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन राइट. सो लेट अस कंसीडर द नाउन सॉरी एडजेक्टिव एंड इट्स लेट अस कंसीडर द नाउन लेडी. ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. सो यहाँ पर एक नाउन है लेडी. लेडी एक वर्ड है जो कि नाउन है. ठीक है, तो इस लेडी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम कई वर्ड यूज कर सकते हैं. मैनी वर्ड्स कैन बी एडेड टू द लेडी लाइक डिसेंट लेडी, इनोसेंट लेडी, पोलाइट लेडी, डर्टी लेडी. तो ये ऑल दीज वर्ड्स लेडी से जस्ट पहले हमने जो वर्ड लगाई ये सभी क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि इस लेडी के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो लेडी कैसी है. ठीक है, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. हियर इज रिटन एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन के में के मीनिंग में कुछ और एड करे, मतलब उसके बारे में उसको डिफाइन करे कि वो कैसा है, क्या है, कितना है राइट. सो ये हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव. फीचर्स वही है जो अभी हमने डिफाइन कर लिए. इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट मेक्स द नाउन क्लियर. नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, हमें नाउन समझ में आता है कि वो नाउन क्या है, कैसा है. इट एड्स डेप्थ एंड ब्यूटी टू द लैंग्वेज. तो हम इसको यूज किस लिए करते हैं? ताकि हम अपनी लैंग्वेज को और भी ब्यूटी उसमें ऐड कर सके, उसको अच्छा बना सके. नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी. ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा यहीं पे आ जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब होता है कोई चीज कैसी, उसकी क्वालिटी बतानी है. ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ. कोई चीज जो हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं उससे हम हाउ पूछ सकते हैं. तो हाउ का आंसर जब हमें मिलता है तो वो एडजेक्टिव होता है क्वालिटी का राइट. फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, राजू कैसा लड़का है? बॉय है. और वो कैसा है? इंटेलिजेंट है. ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है. अ पैरेट लाइक्स रो मैंगोस. पैरेट कैसे मैंगो पसंद करता है, लाइक करता है? रो मतलब कच्चे. तो मैंगो को डिफाइन कर रहा है वर्ड रो. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव वर्ड. वी हैव ब्लू कार. कार कैसी है? ब्लू है. तो ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं. ठीक है, ये सभी क्या एग्जाम्पल है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब इसको यूज कैसे करते हैं हम? इस यहाँ पर जो हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है उसको दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक तो प्रेडिकेटिवली और एक एट्रिब्यूटिवली. ठीक है, एट्रिब्यूटिव क्या होता है देखो, बहुत सिंपल है. शी लिव्स इन अ स्मॉल हट. ठीक है, तो हट कैसी है? स्मॉल है. ठीक है, बर्ड्स लाइक रोमेंगोस, ये एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो हमारे एडजेक्टिव है ये क्या है? एज एट्रिब्यूटिव यूज हो रहे हैं. एट्रिब्यूटिव कब होता है? जब हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो जस्ट नाउन से पहले आता है. ठीक है, उसके बाद नाउन आएगा तो हमारा एट्रिब्यूटिव यूज हो गया उसका. ठीक है, और दूसरा नीचे देखते हैं प्रेडिकेटिव क्या में क्या डिफरेंस आएगा. देखो थोड़ा नीचे ही प्रेडिकेटिव यूज कैसे होगा? हर हट इज स्मॉल. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो स्मॉल वर्ड है वो लास्ट में आ रहा है और वो एडजेक्टिव वर्ड है और उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो वो हमारा कैसा होता है यूज? प्रेडिकेटिव. ठीक है, मतलब उसके बाद में नाउन नहीं आता और जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है वो एट्रिब्यूटिव होता है. ठीक है, आप इसको रीड कर लीजिए सभी एग्जांपल्स को, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. मात्रा बताना कोई चीज कितनी है, हाउ मैनी, हाउ मच का जब हमें आंसर मिलता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और आर रिगार्डेड एज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है,
क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा बताना. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज लिटिल शुगर इन द टी. शुगर कितनी है? लिटिल, थोड़ी सी. ही गेव मी सम स्वीट्स, उसने मुझे कुछ स्वीट्स दी. कितनी दी? कुछ. ठीक है. ही हैज सो मच मनी, मनी कितनी है? मच, मतलब काफी. तो ये सभी क्या बता रहे हैं हमें? इस नाउन की मात्रा बता रहे हैं. ठीक है. वी कैन नो द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बाय पुटिंग द क्वेश्चन हाउ मच. हाउ मच अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा किसका होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. मच, एनी, सम, ऑल, लिटिल, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर मीन्स कितना. हाउ मैनी, मतलब नंबर ये होता है ना, कितना. सो द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. फॉर एग्जाम्पल सेवरल ईयर्स हैव गोन बाय. सेवरल मीन्स कई. कई मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हियर आर 30 बेड्स. 30 मतलब 30, 30 हमें काउंटिंग बताई गई है. तो ये क्या है? नंबरिंग. सेवरल, सम, ये सभी क्या है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव. और इसको हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टू फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चंस हाउ मैनी. हाउ मैनी मीन्स कितने. तो हमें उसमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नेक्स्ट हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना. जैसे हम बोलते हैं ना ये वो. ठीक है. तो इसके लिए हमारे चार वर्ड्स होते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के. दिस, दैट, दीज, दोस. दिस और दैट होता है हमारा सिंगुलर के लिए. और दिस हम कब लगाएंगे? जब वो हमारी चीज पास में हो और वही चीज दूर हो तो हम दैट यूज करेंगे. और दीज होगा प्लूरल के लिए. जो चीज पास में हो और एक से ज्यादा हो तो हम दीज यूज करेंगे. और वही चीज अगर हमसे दूर हो और प्लूरल हो तो हम उसके लिए दोज यूज करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. राइट. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैन बी डिफाइंड बाय क्वेश्चनिंग विच, मतलब कौन सा. हम पूछे कि कौन सा पेन तुम्हारा है तो आप कहेंगे दिस, दिस इज माई पेन. ठीक है. तो आपने उसको इंडिकेट करके दिखा के बोला कि ये पेन. नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना, मतलब एक एक करके दिखाना. किसी भी बहुत सारी ग्रुप में से किसी चीज को एक एक करके दिखाना. जैसे आप लिखा है डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो, एडजेक्टिव्स शो दैट पर्सन्स और थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप आर टेकन एट अ टाइम. मतलब ग्रुप में से हमने पर्सन और थिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, एक एक करके दिखाया. इसमें हमारे मेन वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन है आई हैव रेड एवरी बुक यू गेव मी. जितनी भी मुझे, सारी जितनी भी बुक दी थी उसमें से हर एक बुक, एवरी बुक मतलब हर एक बुक मैंने रीड कर ली. नन ऑफ दीज फ्रूट्स वॉज गुड, मतलब जितने भी फ्रूट हैं उनमें से एक भी नहीं. ठीक है. तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि जितने भी फ्रूट है उसमें से एक भी नहीं. ईच बॉल कॉस्ट 100 रुपीज. ईच का मतलब, ईच बॉल मतलब जितनी भी बॉल है उसमें से हर एक बॉल कॉस्ट 100 रुपीज. ठीक है. आइदर नाइदर, आइदर मतलब दो में से कोई एक और नाइदर मतलब कोई भी नहीं. सो दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद नाउंस टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. वो हम उसमें हमें पहचान कैसे करनी है, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसके बाद क्या आएगा, आपको एक नाउन होगा. जैसे विच पेन इज योर्स. ठीक है. कौन सा पेन, पेन के लिए हमने पेन को डिफाइन कर दिया हमने विच लगाकर. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. व्हाट आंसर, कौन सा आंसर. ठीक है. हुज फाइल, किसकी फाइल. तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये उसके बाद जो नाउन दिया उसको डिफाइन भी कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. राइट. और नेक्स्ट टाइप है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 7. पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना कि उस चीज पर किसका अधिकार है. वो चीज मेरी है, तुम्हारी है, माइन, योर, आर. ठीक है. देयर्स, हर, ये सभी क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल देखो इट इज हिज डिसीजन.
ये डिसीजन किसका है, उसका, हिज मतलब डिसीजन किसका है, हमने उसका पोजेशन दिखा दिया डिसीजन पर, उसका है, ठीक है, तो हिज क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, दैट इज आर हाउस, हाउस किसका है, हमारा, ठीक है, तो ये आर जो वर्ड है ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। द फ्लावर इज लूजिंग इट्स पेटल्स, तो इट्स क्या है, उसकी पेटल, तो ये इट्स हम किसके लिए लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। हर पर्स, पर्स किसका है, उसका, तो ये सभी हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। वी कैन फाइंड द पोजेसिव एडजेक्टिव बाय क्वेश्चनिंग हूज, अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम समझने के लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसका, ठीक है, हूज, हूज मींस किसका, तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव तो वो होता है जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, जहाँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की हमारा प्रॉपर नाउन भी है, और यहाँ पर ये ही को डिफाइन भी कर रहा है कि वो कौन है, ऑस्ट्रेलियन है, तो जब ही को मतलब प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव भी बन गया, ठीक है। ही वेंट टू विजिट इटली, वो कहाँ गया, इटली गया, ठीक है, तो यहाँ पर इटली जो है वो प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर इसको ही को डिफाइन तो नहीं कर रहा ना, ये किसी को डिफाइन तो नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि वो तो कहाँ गया, उसने जगह का नाम बताया, तो इटली यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। नीरा इज एन इंडियन डॉक्टर, यहाँ पर जो इंडियन है ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डॉक्टर को डिफाइन करे कि डॉक्टर कौन है, इंडियन है, तो ये इंडियन जो प्रॉपर नाउन है यहाँ पर एज एन प्रॉपर एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्लियर। He enjoyed the Chinese food. Food कौन सा? Chinese. तो यहाँ पर food को define कर रहा है. तो ये हमारा proper adjective हो गया. तो second one है जो इसमें difference आपको समझना है कि इसमें Italy जो है proper noun है, ये as an adjective नहीं है, ठीक है. So this is all about our adjective. And here is some exercise also. Underline the adjective in the following sentences. Write also what kind of adjectives they are. मतलब आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करके उसका टाइप बताना है, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस, प्लीज गिव मी, गिव हिम सम क्लोथ्स, उसको कुछ कपड़े दे दो, ठीक है। तो क्लोथ्स हमारा क्या हो गया यहाँ पर, नाउन, और उस नाउन को डिफाइन क्या वर्ड कर रहा है, सम, कितने क्लोथ्स, सम क्लोथ, मतलब हम उसकी क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं ना कि कितने कपड़े, तो यह टाइप हमारा हो गया क्वांटिटी, और नाउन हमारा हो गया क्लोथ, जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं। 10 passengers got into the bus. Passenger कितने हैं? 10. कितने मतलब how many? How many का आंसर मिलता है तो हम क्या होता है? Number. Quantity, ठीक है? 10 है और हमारा noun क्या हो गया? Passenger. Which seat is yours? तो यहाँ पर which जो है किसको define कर रहा है? Seat को, ये तो हमें interrogative हो गया हमारा, और noun क्या हो गया इसमें? Seat, right? So these all are types of adjective. नेक्स्ट वन में आपको क्या करना है, बाय यूजिंग, नेक्स्ट पार्ट में बाय यूजिंग द एडजेक्टिव्स प्रिडिकेटिवली राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडजेक्टिव को प्रिडिकेटिवली यूज करना है, यहाँ पर जो दिया वो एट्रिब्यूटिवली, आपको उसको प्रिडिकेटिवली यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस है, दोज आर स्टेल फ्रूट्स। अब यहाँ पर जो स्टेल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, फ्रूट्स कैसे है, स्टेल है मतलब बासी है, इसको हमने अब यहाँ पर तो ये एट्रिब्यूटिव लिए क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया एट्रिब्यूटिवली, लेकिन हम इसको प्रेडिकेटिवली कैसे बनाएंगे, हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दोज फ्रूट्स आर स्टेल, मतलब हमारा जो एडजेक्टिव था वो हमने लास्ट में ले लिया और उसके बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हो गया प्रेडिकेटिवली, क्लियर। दिस इज अ प्रिटी ड्रेस, ड्रेस कैसी है, प्रिटी है, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो रहा है एट्रीब्यूटिवली, मतलब नाउन से जस्ट पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा है pretty, ठीक है। और अब इसको हम predicative बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, this dress is pretty, ठीक है, pretty हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो लास्ट में आया, उसके बाद नाउन नहीं आया। तो here is some exercise, read all this. Last one is
फिल इन द ब्लैंक्स विद एनी सुटेबल एडजेक्ट, कोई भी सुटेबल एडजेक्टिव लगाना है, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू विल अंडरस्टैंड। जैसे मार्च इज द डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ होता है हमको पता है, थर्ड है, तो ये हमने उसको हमारी टाइप भी होगा, क्वांटिटी होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन है अ डैश डॉग वैग्स इट्स टेल, कैसा डॉग जो अपनी टेल को वैग करता है, हिलाता है जैसे, तो हंग्री होगा, तो डॉग को डिफाइन कर दिया ना कि कैसा डॉग, हंग्री, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। नन वुड लाइक टू ईट डैश फ्रूट, कोई भी डैश फ्रूट खाना पसंद नहीं करता, कैसा खाना पसंद नहीं करेगा, स्टेल होगा, बासी होगा, तो ये जो फ्रूट को हमने डिफाइन कर दिया स्टेल वर्ड से, जो कि एडजेक्टिव बन गया हमारा। आई हैव मैनी कैप्स बट डैश फिट्स मी प्रॉपरली, मेरे पास कई कैप है लेकिन उनमें से कोई भी, नन मतलब कोई भी फिट प्रॉपरली फिट नहीं होती, ठीक है। सो दीज ऑल आर अबाउट आवर एडजेक्टिव, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली, आफ्टर देन यू विल फिल योर एक्सरसाइज, ओके, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।